तत्र दृष्टान्तम् आह। 134वां श्लोक। तत्र दृष्टान्तम् आह। मार्गे गन्तोर्द्वयोः श्रान्तौ समायामप्यदूरतां जानन् धैर्याद्रुतं गच्छे अन्यस्तिष्ठति दीनधीः। कद ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के प्रारब्ध कर्मानुसारेण सुख दुख का भोग तो समान होता है, लेकिन ज्ञानी को क्लेश प्राप्त नहीं होता धैर्य होने से, मूढ़ को क्लेश प्राप्त होता है अधैर्य होने से, ये कहा गया था। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, धैर्य क्या है, धैर्य होने से क्लेश नहीं हुआ ज्ञानी को, और धैर्य न होने से अज्ञानी को क्लेश हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके लिए दृष्टांत समझा रहे हैं। मार्गे गंत्रो द्वयोः, कोई मार्ग है उस पर दो लोग जा रहे हैं, जाते 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 दोनों ही थक गए, श्रांतो थक गए दोनों, लेकिन वो थकान दोनों में बराबर है। समायाम श्रांतो समायाम, थकान दोनों में बराबर होने पर भी धैर्याद्रुतम गच्छे, धैर्य के वजह से एक जो पुरुष था उनमें से विवेकी था वो आगे बड़ा तेजी तेजी से चला जाता है, थकान होने पर भी चल जाता है, बैठता नहीं। क्यों? अदूरतम जान, क्योंकि जानता है ज्यादा दूर अब नहीं रहा। और दूसरा मूड है दीन बुद्धि वाला, दीन धीही अन्यः तिष्ठति, धैर्य न होने से विचार करता है और कितना दूर बाकी है क्या है, वहीं बैठ गया सो गया। इसको एक और कहानी से समझाते हैं, खरगोश कछुए की कहानी, खरगोश कछुए की कहानी से समझाते हैं। दोनों ने निर्णय लिया भाई हम रनिंग रेस करेंगे, या तो अलग बात है, वहाँ यह दोनों बराबर चल रहे, दोनों बराबर थके हुए हैं, वहाँ दोनों बराबर चलते नहीं है, थोड़ा अंतर है कथा में, लेकिन समझाया जा सकता है। तो खरगोश जो है बड़ा तेजी से भाग गया, और जहाँ लाइन लगी हुई थी या जो क्रॉस करे वो जीत जाएगा, उसके बगल में जाके बैठ गया, क्रॉस करके नहीं बैठा, इतना बुद्धू। वहाँ बैठ कर बोला, यो जब कछुआ आएगा दिखाई तो देगा हमको, जब वो उधर आएगा जब तक चार कदम उठेगा तब तो मैं कूद जाऊँगा, यहाँ मैं जीत जाऊंगा, यूं सोच कर वहां बैठ गया। लेकिन दौड़ने में थकान हुई थी तो उसको नींद आ गई, नींद आए तो धीरे धीरे रेंगते रेंगते रेंग करके पार करके चला जाकर कछुआ, पार करके चला गया जाकर वहां बैठ गया, पार करके बैठ गया, बुद्धि देखो उसे पार करके बैठ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो आवाज किया खरगोश ने, थोड़ा खुर 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 करके आवाज किया, तो खरगोश ने क्या आवाज आ रहा है, देखा तो पार करके बैठा हुआ, खरगोश ने मैं जीत गया तो हार गया, तो लाइन के उधर खड़ा। जो धैर्यवान होता है ना वो अवश्य जीतता है। खरगोश में क्या धैर्य था, दौड़ा नहीं, वो आराम से चलते 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 आराम से, और जो अधैर्यवान पुरुष है वो हड़बड़ा देता है, मूढ़ है मूर्ख है वो हड़बड़ा कर देता है, और सारा काम खुद का काम खराब, सबका काम खराब। इसी तो धैर्य जो होते विवेकी को मालूम है कितने दिन और शरीर रहना है, विद्वान समझदार ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान समझ रहा है कितने दिन शरीर और जिंदगी रहना प्रारंभ कर, अनुसार 10 साल 20 साल 50 साल, वो 50 साल 5 मिनट का दृश्य जैसा है, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है उसके लिए, सारा दृश्य मिथ्या होने से शेष जितनी भी जिंदगी शरीर का है वो उसके लिए दृश्य है, दृश्य होने के नाते उसके लिए जब 50 साल का आयु बचा हुआ हो वो भी उसके लिए 5 मिनट के बराबर दिखता है, और धैर्य से उन सारी चीज का सामना करता है, किस विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। जो अधैर्यवान पुरुष है मरणासन्न हो रहा है उस समय भी उसे पता भी नहीं अगले मृत्यु भगवान का नाम ले लो, अभी मरणासन है वहां पर बिस्तर पर पड़ा हुआ, अभी बेटे से पूछता आज कितना व्यापार हुआ, अरे चाबी संभाल लेना हमारे वहां वहां है त्रिजोरी, ये सब माल चाल है, सब बताएगा बेटा, मरते वक्त उनको सारा वो हिसाब किताब पूरा ध्यान रहता वो बताते, अरे मरने आए हो पता लग गया मरने वाले हो, अब तो भगवान का नाम ले ले, नहीं धैर्य नहीं। ये अंतर मूढ़ और विवेकी, विवेकी शेष सारी जिंदगी को भी
दृश्यत्वात् मिथ्यात्वात् धैर्य से सामना करता है, और अविवेकी धैर्य का अभाव होने के कारण से उसे हर क्षण इस संसार की वस्तुओं के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। वो परमार्थ को सोचता नहीं है, अपने लक्ष्य को समझता नहीं है। ये अंतर है दोनों। इसलिए ज्ञानी के प्रार्थना से भोग होता है, भोग हो भी रहा हो वो सुख दुख उसके लिए दृश्य है, उस भोग में आसक्ति नहीं है, आते उसको क्लेश नहीं होता। लोग कहते हैं हम लोग का भी मकान वकान देख रहे हैं, महात्माओं का, बड़े बड़े महात्माओं के मंडलेश्वर के, और हमारे भी कमरे में रह रही महात्मा न लम्हा, सारे टाइल टूल ट्यूब टाप, बड़ा यूफम गद्दा, कमाल है, महाभोगी है। हमें भी कह रहे थे लोग, अरे कोई बात नहीं बोलने को, हमें पता है कौन क्या भोग रहा है क्या नहीं भोग रहा है। तो प्रार्थना वशात जो जरूरी है वो चल रहा है, उस दृश्य से हमें कोई लेप नहीं, आसक्ति नहीं। वे दिन भी थे या चटाई पर सोए, वे दिन भी देखिए जमीन पर सोए, वो दिन भी थे बनारस में जहाँ पर हॉल के अंदर सारे नावंग धुआंग पीछे पड़े रहे, दत्तात्रेय मठ था जो ना खड़े वालों के सब नागे पर, कहीं जगह मिली नहीं तो महात्मा ने ले वहाँ बिठा दिया, वहाँ रहे तो सर धुआं 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 नशे, हमें भी नशा चढ़ जाता था कई बार, अपने छत पर भाग जाता था मैं, मैंने कहा क्या हो रहा है सर में चक्कर सा, मैंने कहा क्या हो रहा है, धुआं के कारण परेशान, फिर ऊपर छत पर भाग जाता था, चटाई लिए वहाँ पड़े रहे क्या करें। ऐसे भी दिन रहे, वो भी दिन थे या बनारस में ऐसे आश्रम में रहे जहाँ नल का भी पानी नहीं आता, सरकारी पानी 8 बजे बाद आवे, हम उठ रहे हैं 4 बजे, 3:30 बजे नहाए कहाँ, गंगा जी नहा, दोनों टाइम गंगा जी नहा, और आज गंगा जी में नहाएंगे तो शरीर बिगड़ जाता, गंगा तट पे रहते हुए नहीं नहा सकते, वहाँ 1 किलोमीटर जाते थे गंगा जी में नहाने के, डेली अप एंड डाउन 2 टाइम सबरे शाम, और बिल्कुल तट पे बैठे हैं तो नहा नहीं सकते। वही कहा था ना, दांत है तो चना नहीं, चना है तो दांत नहीं, घाट मिला तो नहाना नहीं, जब घाट नहीं था तब नहा सकते। भारत कर्म का योग देख, शरीर को ऐसे कर दिया अब नहा नहीं सकते, देख के संतुष्ट रहो बोल रही है गंगा मैया क्या करें, वो भी हमें देख के संतुष्ट है, हम भी उन्हें देख के संतुष्ट है। तो भोगी भी होता है, क्रोध भी होता है, दुख भी होता है, सकल क्रियाकलाप जो कुछ भी होता है उसको दृश्यत्वात् धैर्य से उसको भोग कर लेता है, लेकिन उसके वजह से क्लेश नहीं होता, एक ज्ञानी में होता और अज्ञान में क्लेश, इसमें दृष्टांत कर समझा दिया। इस तरह से विजानियात के बाद जो है आत्मानं चित विजानियात में चल रहा था ना, वो पूरा हो गया। अब 135 से 162 तक दोबारा साक्षात्कार को लेकर के विचार होगा। इत्थम उपादितम आत्मानं चीति मंत्रस्य पूर्वार्धार्थम अनुवदन फल प्रदर्शन परम उत्तरार्धम अवतारयति। साक्षात्कृत आत्मदीहि, साक्षात्कार कर लिया है जिसने आत्मज्ञान को, सम्यक अविपर्य बाधित, और वो भी कैसे है वो ज्ञान, सम्यक प्रकार से विपर्य से बाधित नहीं है। उसका फल क्या है, किमिच्छन्गस्य कामाय शरीरम मनु संज्वरे, किमिच्छन् क्या चाहते हुए, कौन सी कामना की पूर्ति के लिए, शरीरम मनु संज्वरित, इस शरीर में आसक्त रहेगा वो, अर्थात किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, किसी की भी कामना की पूर्ति के लिए या किसी भी इच्छा को प्राप्त करता हुआ वह कभी शरीर में आसक्त होगा नहीं। सम्यक साक्षात्कृत आत्मदीहि, साक्षात्कृत आत्मा यया सा, साक्षात्कार कर लिया गया है आत्मा जिसके द्वारा, ऐसी जो धी है साक्षात्कृत आत्मा, उस धी तादृशी, धी तादृशी जो वृत्ति, यस्य सा तादृशी वृत्ति है जिसका, उस पुरुष को कहते हैं जीवन मुक्त को कहते हैं साक्षात्कृत आत्मदीहि। अविपर्यपादितः, इन वह ज्ञान से कैसा है, विपर्येण देहाद्यात्म बुद्धिया बाधितो न भवति इति अविपर्य बाधित, देहाद्यात्म बुद्धि जगत में सत्यत्व बुद्धि रूपी विपर्य से अब बाधित नहीं रह गया, ऐसा उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उभयम् हेतु गर्भितम विशेषण, वे दोनों विशेषण जो है
हेतु गर्भित है। अनुमान यदि कोई करेगा तो अनुमान में हेतु के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा विशेषण दिया गया। अस्य मंत्रार्थ से तात्पर्य माह, अब इस मंत्रार्थ का तात्पर्य का ग्रहण करने जा रहे हैं। 135 से 162 तक फल का ही निर्देश करना है। जगन मिथ्यात्धि भावाद आक्षिप्त काम्य कामुक तयोरभाव संताप शाम्य निस्नेह दीपवत। जगन मिथ्यात्धि भाव, जगत में मिथ्यात्व ज्ञान का उदय होना हो जाने से काम्य और कामुकता दोनों का आक्षिप्त हो गया है, दोनों का बात हो गया, दोनों आक्षिप्त दोनों बाधित हो गए। अब उसके लिए कोई ना काम्य है ना कोई कामुक है, ना स्वयं में कामुकता है, कोई कामना वाला वो नहीं है, और काम्य भी जगत नाम का चीज नहीं रह गया। काम्य काम को उभव आक्षिप्त हो तयोर अभाव है, अब दो नहीं रह गया तो संताप शाम्य त्रिविध संताप आदित्य आदि भौतिक और आध्यात्मिक संताप, तीनों ही संताप शांत हो गया। निस्नेह दीपवत, उसी प्रकार जैसा स्नेह मने तेल से रहित दीपक के समान, चकना तेल रहित दीपक क्या हो जाता है, धीरे धीरे जल के वो बत्ती भी जल जाएगा, राख हो जाएगा, बुझ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी जब प्रारंभ से बाद में जो शेष रहा हुआ शरीर है धीरे 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 वो खत्म। काम्यंच काम कश्चित काम काम कौ तौ आक्षिप्त निरस्त। जगत में जैसा मिथ्यात्व निश्चय हो गया, आपके लिए काम्य भूत है जगत और आप कामना करने वाला, काम ही तुम शीलम असीति कामुक, या भोगी करता नहीं है, विषय भोगी स्त्री भोगी को कामुक कहते हैं लोक व्यवहार में, वो नहीं, या कामुक मैंने विभिन्न प्रकार के वासनाओं को इच्छा करके जगत को चाहने वाला सामान्य इच्छा हो, तक काम्य भी नहीं, उन काम्यों को चाहने वाला भी नहीं रह गया, दोनों गए, न मर्ज रहा न मरीज रहा, मर्ज मरीज दोनों गए। ये मरीज था, भवरोग से ग्रस्त था, अभी मरीज नहीं रह गया, भवरोग भी नहीं रहा, भवरोगी भी नहीं रहा, रोग रोगी दोनों ही खत्म। केवल जगत को मिथ्यात्व निश्चय करने से जो रोगी रूप है जीवा था वह, और जीव के द्वारा काम्य भूत जो रोग आत्म जगत दोनों ही खत्म। तन निराकरण कारणमा वेतु निरस्त क्यों हो गए, क्योंकि जगत मिथ्या हो गया। तथा किम इसका क्या लाभ हुआ, तयो हो अभाव है, तयो हो काम्य काम के और अभाव है, जो काम्य और काम दोनों नहीं रह गए। संताप कामना निमित्तक, जो कामना निमित्तक संताप था वह भी नहीं रह गया, कारणाभावात, क्यों कारण नहीं रह गया, जगत का सत्यत्व ही संताप का कारण था, जगत में ये जो सत्यत्व ही सकल संताप का कारण। त्रिविध संताप क्यों किसको प्राप्त होता है, जिसको जगत सत्य है, और जगत बाहर से हम कहने के लिए मिथ्या कर रहे हैं, नहीं भीतर से जगत वो पकड़े हुए हैं, वो सत्यत्व नहीं, फिर तो मिथ्या निश्चय नहीं हुआ, अब भी जगत सत्यत्व। कहने लोग होते त्यागी होते हैं, विरक्त होते हैं, इन भीतर से सारा संसारी होते हैं, वो नहीं है, वो बाहर से कहने जगत मिथ्या कह रहे हैं, भीतर सारा जगत सत्य है, वह फायदा है। मैंने कहा ना कि बता, हमारे गुरु के आश्रम एक बार आया एक आदमी, बहुत दुखी था, घर से लड़ाए झगड़ा गाली गलौज होता, तो परेशान होकर के आ गया, गुरु ने कहा चलो आ गया है तो रहो यहीं पे, रहो चलो में रहो, लाल ले लो, संन्यास ले लो, भजन करो। लेकिन अंदर से तो त्याग तो था नहीं, वो तो लड़ाई झगड़े गले में मजबूरी में आ गया था, हैं अब क्या करें, अब वो बिगड़ गया गुरु जी के ऊपर, महाराज हम दुखी हो गया, इसका थोड़े हमको सन्यासी बना देंगे, मड़ा दूंगा जबरदस्ती, अरे गाली ही तो मेरी बहू तो दी, मारा तो मेरे बेटा ने मारा, जितना मारा तो मेरी पत्नी ने मारा, क्या हो गया उसे, अंदर से पूरा इतना होने के बावजूद भी अंदर से पत्नी बच्चों के प्रति अनुराग वो छोड़ नहीं सकता। बहुत सारे होते सीजन महात्मा, हम लोग बोलते सीजनी महात्मा, हाँ सीजन, अब बारिश हो जाता है, बाढ़ हो जाता है बिहार में, तो क्या करें,
और सबको यूं त्रिपुंड लगा देगा, कोई यूं लगा देगा तिलक और आ जाएंगे दाढ़ी दूढ़ी छोड़ छाड़ करके। आप सोचे महात्मा है महाराज आए प्रभु, और सारे ऐसे माल बटोरेगा लेकर घर जाएगा। सीजन वाले महात्मा, मौसमी महात्मा, बाहर से बड़े त्याग व्रत की बातें भी करते हो, बड़ा चौपाया सुना देंगे आप, पूरा वेदांत बोलेंगे। सब सत्संगी होते हैं, ऐसे नहीं है, सत्संगी होते हैं वो, सब सत्संग सुनते रहते हैं, घर में रामचरितमानस से पाठ करते रहते हैं, उसको पढ़ते भी रहते हैं घंटा दो घंटा, उन्हें सब मालूम है। अब आपसे बढ़िया आपको वेदांत सुना देंगे, और अंदर से पूरी गृहस्थ माल बटोरने के चक्कर में आए हुए, इसीलिए पहचानना मुश्किल हो गया आजकल, कौन साधु है कौन नहीं है। जा खाते हैं वही हग देते हैं, जिस थाली में खाते उसको छेद देते हैं, बड़े नमक हराम टाइप के होते हैं। व्यवहार विवेक नहीं, जबान में कंट्रोल नहीं, किससे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वाघ इंद्र का संयम नहीं और रसनेन्द्र का भी संयम नहीं। साधु होते साधु नहीं होते कोई, साधु तो कहते यदृच्छा लाभ न संतुष्ट, जो जैसा मिल गया वैसा अपना पानी हो गया, क्या वो स्वाद है या निस्वाद है। काली कमला नक्षत्र हम लोग जाते थे ऋषिकेश में 1985-84 की बात, तो प्रसाद में भी गए थे, वहाँ जो है वो चार रोटी देते थे, कई बार तो उस रोटी के ऊपर भी कीड़े घूमते भी दिखते, लाल वाले हाँ बना दिया वाटर वहीं रख देते थे ना, वाटर से रंग घुसपा जाता था, वाटे में रहता था। हाँ नहीं, लाल वाला कीड़ा जो होता है जो गेहूँ में हो जाता है, और कई उसमें देखा कमोडर में लो दाल दे देंगे, सब जो जीत होता ही नहीं उसमें, दो चार राजमा जो है राजमा दो चार मछली जैसे ऊपर तैर कर पूरा पानी, और उसमें केवल धनिया पाउडर मसाला कुछ, और लंबे लो दो लाल मिर्च, एक करछी में एक लाल मिर्च आ जाएगा, चौंक में लगाया ये मिल जाता, वो भी हम लोग खाए जैसे मैंने ऐसे रहे। सुबह पंजाब से नरकाली कमली से लेते थे, शाम को नेपाली क्षेत्र में खाते थे, शाम को बैठ कर वहाँ कैसे मिलते हैं आप लोगों ने भी देखा हो। हम स्वाद देखने से विद्याध्ययन थोड़ी होता, स्वादिष्ट भोजन तो मिल रहा था, हम लोग स्वाद आश्रम में रहते तो वहाँ सब कुछ मिलता, वो गए भी यहाँ रहो सेवा करो, पढ़ाई नहीं लेकिन हमने गए, हम भले अन्य क्षेत्र का रोटी खाएंगे रहेंगे कैलाश, पहले कैलाश में नीचे रखते थे, जो नहीं आएगा सबको नीचे रखेंगे, उनका नक्षत्र में खाओ, ये 6 महीना खा लिया तो ऊपर कमरा मिलेगा नहीं तो नहीं। अब तो नीचे पर सब बार सबको ऊपर ही भोजन मिलता है, 90 के बाद शुरू हुआ। तो ये स्वाद देखने से लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती, स्वाद नहीं देखा से साधु तो वैसे भी कहीं भी रहे स्वाद नहीं देखना चाहिए, जो मिल गया जैसे मिल गया। ये साधना में प्रतिकूलता हो रही तो थोड़ा सा निवेदन कर लो, भैया मिर्ची ज़्यादा मत डालो, भाई ज़्यादा सरसों फरसों धनिया तेल ताल कच्चा पच्चा मत छोड़ो, थोड़ा ढंग से बना दो, पका दो थोड़े और 2 मिनट, ये स्वाद नहीं देखना है। और लोग आज के सब स्वादु हैं, उनको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नहीं तो कहेंगे हाँ आश्रम इतना लंबा जोड़ा है और बढ़िया ढंग भोजन भी नहीं बनाते, ऐसे लोग साधु लोग हम गधे साधु ने स्वादो है उसकी ध्यान मत दो, अपने जो बनाना बनाओ जैसे बन रहा है ठीक, जो बन रहा है ये सब कारण क्या है, ये 2 इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है, एक के जबर 2 है, तो बोलने का नियंत्रण किससे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किसके हंसे मजाक करना क्या नहीं करना, कुछ भी विवेक नहीं, किसके बारे में क्या बोलना ये भी पता नहीं, दूसरे जगह की निंदा यहाँ करते यहाँ की निंदा दूसरे जगह क्या करते, जब समझना चाहिए दूसरे की जगह यहाँ निंदा कर रहा है इसका मतलब समझना कल आपकी भी निंदा दूसरे जगह जरूर करेगा आदमी, ये आदमी का भरोसा नहीं, ये पक्का है। जब कहीं का यहाँ कर रहा है सर निश्चित रूप यहाँ कभी कहीं और जगह करेगा, वो जीवा का संयम नहीं बोलने का, तो खाने का भी संयम नहीं, इसका दोनों का संयम नहीं है तो मतलब मन में का नियंत्रण नहीं, तो साधु क्या है, वो साधक क्या रह गया, वो तो गृहस्थी, भले चाहे कोई वेश में रहे चाहे जितना वर्ष इस वेश में रहे वो तो महाग्रहस्थ ही कहा जाए। जगत का मिथ्यात्व होने का मतलब
काम्य कामुकता दोनों ही अभाव हो जाता है। दोनों के अभाव इस तरह से हो जाता है, स्नेह रहित दीपवत दृष्टांत दिया, निस्नेह दीपवत काम्याभावात कामना अभाव क्व दृष्ट इत्याशंक। कामिक अभाव होने से कामना ही नहीं होती है, कहां आपने देखा? जिस विषय में आपको मालूम हो गया एक काम भी नहीं है उसके आप कामना नहीं करते हो। इसे दृष्टांत तो तीन तीन देंगे, देखो। गंधर्व पत्तने किंचित नैन्द्र जालिक निर्मितम जानम कामयति किंतु जिहासतिह सन्निदम। तीसरा दृष्टांत स्वप्न का ले लेना है। गंधर्व पत्तने किंचित, एक गंधर्व नगर है, आपके दिन दहाड़े बैठे बैठे कपोल कल्पना कर लिया आपने, यहाँ बहुत बड़ा महल बना हुआ है, आश्रम है, बड़े महात्मा लोग हैं, अब आप सोच रहे हमें भी वहाँ कमरा मिल जाए तो अच्छा था, बढ़िया है, सारी सुविधा है, कल्पना आपने कर लिया आश्रम को, और फिर नौका जार इस पार हो जाओ वहाँ आश्रम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है मेरी कल्पना है, तो काम ना होने से वहाँ रहने की कामना भी नहीं। इंद्र जालिक निर्मितम, मायावी जादूगर, जो जादूगर होता है मायावी इंद्र जालिक, वो क्या करता है, बीन चीजें बना के आपको दिखा दिया कि आप चाहेंगे भी मेरे को एक मिल जाए, वो हजार रुमाल निकाल रहा है, कोई कहेगा मेरे को एक रुमाल दे दो, जानते सब ढोंग ढोंग दिखा रहा है, झूठा दिखा रहा है, वो काम ही वास्तव में नहीं आपको मालूम है, इसलिए आप उसकी कामना नहीं करते। जैसा रंग बिरंग निकालता है कहीं मार्केट में नहीं मिल सकता है, तो इच्छा होनी चाहिए ना, फिर हमारे पास भी कैसे रुमाल इतना बढ़िया बहुत सुंदर बना रहा है, लेकिन आपको पता है ये तो जुटा दिखा रहा है, ये तो है ही नहीं, इसलिए आपकी इच्छाएं नहीं होती है मांगने की, ना मांगेंगे। स्वप्न के पदार्थ इसी प्रकार से बहुत सुंदर चीजें दिखाएगी, और जगने के बाद आप चाहोगे वो चीज मेरी हो जाए, चाहोगे कभी? फिर जानते हो स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, इसलिए उन पदार्थों की इच्छा नहीं करते हो। तीन दृष्टांत है, अब इन सारे में एक ही दृष्टांत बनाए थे, इंद्र जाल के निर्मितम गंधर्व पत्तने किंचित, ऐसा कर दो। मायावी निर्मित पत्तने स्थितम वस्तु, मायावी का निर्मित नगर में स्थित वस्तु किंचित अपि इदम इंद्र जाल के निर्मितम इति जानन, ये इंद्र जाल के निर्मित ऐसे जानता हुआ न कामयते, न केवलम कामना भाव कितना ही नहीं, केवल कामना नहीं करोगे इतनी बात नहीं, बल्कि हंसते हो उसको उपेक्षा भी कर दो। जानन न कामयते, केवल न कामयते नहीं किंतु जिहासति हसन्निदम, किंतु सर इदम अनृतम, ये सब झूठा है, यदि ऐसा देखते हुए हसन मुस्कुराते हुए हंसते हुए जिहासति परित्यक्तुम इच्छति, परित्याग करने की इच्छा होती है तो प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। इन सारे बातों में दार्ष्टान्त घटा रहे, दार्ष्टान्त की योजेती आपात रमणीयेषु भोगेषु एवं विचारवान नानुरच्यत किन्पे तान दोष दृष्ट्या जिहासति। आपात रमणीयेषु भोगेषु, क्या पता है ये सब भोग कितने दिन तक टिकने वाला है? कुछ क्षणों तक का ही है, है? आपको बढ़िया कोई गद्दा ला के दे, कितने देर तक रहोगे उस गद्दे पे? 24 घंटा लेटे रह जाओगे, मान लो एक का दिन इच्छा पूरी कर लेट ही जाओगे, एक दिन भर 24 घंटा, फिर आपको पूरे पीठ में दर्द होने लगेगा, आपको उठना ही पड़ेगा उससे। कोई भी चीज आपको दिया जाए, बहुत अच्छा चीज आपकी जो बहुत कामना थी कई वर्षों से आज मिल जाए, तो क्या करोगे? 24 घंटे तो चिपके रह जाओगे, कुछ देर तक उसका आनंद मिले अगर बगल में रखना ही पड़ता, ये खाना पीना अपना मामूली चीजें तो चलती रही, 24 घंटा खाते रहो ये भी नहीं होता। अब आदमी के बारे में सोचो 24 घंटा झूठ बोले, वो भी नहीं हो सकता उससे, झूठ बोलने की सिद्धि जरूर लोगों के पास है, लेकिन लोगों के पास कलयुग में झूठ बोलने की सिद्धि तो स्वाभाविक है, जन्म जात किसी को आज तक सिखाया नहीं झूठ बोलने का, सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो गर्भ में ही है, जो घर में माँ झूठ बोलती रहती है गर्भिणी माँ, और माँ के जो बोल झूठ जो बोलती है वो पेट में अंदर बच्चा सीख लेता है, इसे गर्भ में ही वो झूठ बोलने का उसको पूरा ज्ञान है, वो सिद्धि प्राप्त हो चुका है, उसके लिए कोई मंत्र जप तप करने की जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी
सिद्ध होने के बावजूद झूठ बोलने में 24 घंटा झूठ नहीं बोल सकता, बोलेगा तो फंस जाएगा कि हर बात झूठ बोलना पड़ेगा उसको। मान लो लघु शंकर ने जा रहा, आप पूछोगे क्या करने जा रहे हैं, तो बोला नहीं लघु शंकर नहीं करने जा रहा, झूठ बोलना पड़ेगा उसको। यदि कहेगा लघु शंकर जा रहा हूँ तो सच हो गया, उसे बोलना बोला नहीं 24 घंटा बोलो आप, क्यों संकल्प कर लो मैं 24 घंटा झूठ बोलूंगा, देखो आप नहीं बोल पाए, फंस जाओ। फिर यहाँ क्यों जा रहे टॉयलेट में, चलो वापस कमरे में जाना पड़ेगा, हर पेशाब लगा हुआ है, इधर झूठ बोलना पड़ा, मैं वहाँ नहीं करने जा रहा हूँ। अब सोच लगी है जा रहे हो तो पूछे भाई क्या करने जा रहे हो, आपको झूठ बोलना कहना पड़ेगा भाई मैं ऐसे ही जा रहा था, ऐसे ही थोड़ा वॉकिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है चलो आपके साथ वो वॉकिंग कर, चलो कमरे में इधर तो लगी हुई है सोच क्या करेगा, तो कहाँ तक झूठ बोलेगा। आप भोजन करने जा रहे हो तब पूछा जाए अरे आप कहाँ जा रहे क्या करने जा रहे, आपको झूठ बोलना है, झूठ बोल के खाना पड़ेगा भोजन करने नहीं जा रहा हूँ। फिर उसे में क्या अरे ऐसे थोड़ा देखने आया था, फिर जाओ देखने आया था ना चले जाओ, रोटी नहीं मिलेगी भूखा मरेगा, झूठ कहाँ तक बोलेगा। मैंने सच भी बोल दिया 24 घंटा सच भी नहीं बोल सकते, व्यवहारी ऐसा बड़ी समस्या है। कहने का मतलब है किसी भी विषय को लेकर के निरंतर आप कोई चीज की निरंतरता नहीं हो पाता, सब आपात रमणीय, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। आप झूठ बोल किसका ठग देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, देखो बेकूफ बना देना मैंने इसको, झूठ बोलते इसको बेकूफ बना दिया, खुश हो जाते हैं। कितने देर तक रहता है तो कोई दूसरा आपको झूठ बोल के आपको बेवकूफ बनाता है, आपको मालूम होता है तब पता चलता है हाँ ये क्या हो गया। इसलिए सब आपात रमणीय, प्रथम दृष्टया रमणीय सुंदर और अच्छा लगता है, लेकिन एवं विचारवान सबको समझ में आते क्षण के आगमा पाइन नित्य स्थान भारत, ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, कोई स्थायी नहीं है। इसलिए ऐसे विचार करने वाला नानुरज्यति, इसमें अनुराग को प्राप्त नहीं करता। किंतु एतान दोष दृष्टिया जिहास्ते, किंतु सारे जगत विषयों को दोष दृष्टि से भोगों को त्यागने की इच्छा करता और त्यागता है। एवं आपात रमणीयेषु प्रतीति मात्र रम्येषु, आपात रमणीय ने प्रतीति काल मात्र पर्यंत रमणीय है, ऐसा जो भोगेशु अर्थात नित्य निरंतर नहीं रहने वाले, यावत काल पर दिखाई दे रहा इंद्रियों से संबंध है तावत काल पर्यंत ही सुखादि को देने वाला, उन भोगेश बुझ्यंति भोग विषया, विषय का नाम भोग है, श्रव चंदन वनिता आदि तेषु एवं विचारवान, इस प्रकार से विचारण करने वाला आपात रमणीयत्व अनुसंधानवान, ये केवल कुछ देर दिखाई दे रहा है जब तक तब तक ही रमणीय है, ऐसा अनुसंधान करने वाला जो पुरुष है वह नानुरज्यति नासक्ति करोति, उसमें आसक्ति नहीं रहता है, कोई आसक्ति, किंतु दोष दर्शनेन एतान परित्यक्तुम इच्छति, किंतु दोष दर्शन के द्वारा उनको परित्याग करने की इच्छा करता है। केते विषय दोषा इत्यतः, विषय में क्या दोष देखता है थोड़ा हमें भी तर्क होता है कि हम भी देख सके विषय में दोष, अर्थानां अर्जने क्लेशः तथैव परिपालने नाशे दुःखं व्यये दुःखं दिग्गर्थान क्लेश कारिण, अर्थानाम अर्जने क्लेश, विषयों को प्राप्त करने बड़ा क्लेश होता है। एक एक चीज को प्राप्त करने में आप यहां रहने पर तो और बढ़िया अनुभव हो रहा है ना, अब एक चीज चाहिए अब लिस्ट लिख के रखना पड़ेगा, क्या करें तुरंत तो ला नहीं सके, अगल बगल तो दुकान है जाना पड़ेगा ना उधर, अब सोचते हैं तो 5 रुपए का चीज के लिए 50 रुपए का पेट्रोल कैसे खर्च करें, इसे लिस्ट बनाओ भाई हफ्ता भर बाद देखेंगे जब जाएगी तब लाएगा, क्या करें जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए कितनी झंझट है। कोई चीज लिस्ट में लिखना भूल गए और जाके आने बाद याद आते धरे ही रहा भाई तो भूल गए, अब उसके लिए फिर लिस्ट में रखो नेक्स्ट टाइम के लिए है या नहीं। अब दूर में जंगलों में रहने से ये ज्ञान हो जाता है अर्थ का अर्जन करने में कितनी परेशानी, कई बार राशन वहां कहीं मंदिर में रह गया और यहाँ परेशान, अब राशन नहीं आया, राशन नहीं आया, राशन नहीं आया, उसको फोन करो इसको फोन करो, वो लिया वो ये लिया वो करो, मालूम हो गया ना अर्थ का अर्जन करने में कितना क्लेश होता है,
शहर में रहना बड़ा आसान है, फोन कर दो दुकानदार स्वयं ला के छोड़ देता है, यहाँ फोन करो कोई नहीं ला के देने वाला। एक बार आ गया 200 गाली देते हुए जाता है, दो बार आने का नाम नहीं लेता। रास्ता ही ऐसे साफ है, अनुभव यहाँ पर अनुभव से दो रहा है, हर तार्जन में कितना क्लेश है, कितनी झंझट है, सबके गाली सुन के रोटी खाना पड़ता है। और तथैव परिपालन प्रात या अभिरक्षा करना, उसमें वही चारों तरफ चोर बच्चे बैठे हुए हैं, गेट के बीच में से घुस जाते हैं, हमारे छोड़ते नहीं, आपको 10 अमृत खाने को नहीं मिलते, सारा खा जाते। हर चीज में आपकी नजर से हटी नहीं, वो गया आपने थोड़ा दो दिन तक तो वहीं रह गया कोई चीज, तो तीसरे दिन पुआ नहीं मिलेगा, वो देखते रहते हैं कि ध्यान दे रहे कि नहीं इस वस्तु के ऊपर, दो चार बार चक्कर काटेगा, दो चार दिन देख ले तो यहीं पड़ा है, इनको जरूरत नहीं है, उठा के ले जाएगा। ऐसे ऐसे लोग तो परिपालन करने बड़ा कष्ट, अब यदि वोल्टेज गड़बड़ हो रहा है तो परेशान हो जाता है, वोल्टेज गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, अब तो उसको रक्षा कहाँ तक करो, कहाँ तक वोल्टेज तुम ठीक करते रहोगे, तो वहाँ से आ रहा है, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, चक्कर काटो। हर चीज में कोई भी चीज अर्जन भी किया उसका पालन करने में 100%, पालन भी कर लिया तो वे कई चीजें फ्यूज हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, नाशे दुखम, नाश होने पर बड़ा दुख होता है, नाश नहीं भी खर्च तो हो ही रहा है ना, वे दुखम खर्च हो गया तो दुख है। अब देखते रहना पड़ता है मीटर में कितनी यूनिट जा रही है भाई, ज्यादा जा रही है तो धड़कन हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ज्यादा खर्च हो रहा है, सतर्क रहो भाई, कौन देगा बिजली बिल, देखो वे दुखम, मिल तो गया बिजली, खर्च भी कर रहे हो, नाश तो हो नहीं रहा है, फूंक नहीं रहा है मीटर, लेकिन क्या करे, मीटर की रेख बढ़ रहा है ना यूनिट, वे दुखम। हर चीज में धिक्कारता क्लेश करता, इसलिए इन विषयों को धिक्कार है, सदा क्लेश ही देने वाले हैं ये, और कुछ भी नहीं देने वाले, झूठा सुख महसूस होता है लेकिन क्लेश ज्यादा होता है, पंखा चलेगा बढ़िया सो जाते हैं लेकिन जो है नहीं, बाद में लगता है कितना दुख होता है, अरे बिल बढ़ गया, इससे अच्छा छत पे सोते तो ठीक रहते, इतना बिल देना नहीं पड़ता है कि नहीं, क्लेशकारी है हर विषय, क्लेशकारी, हवा के लोग ऐसी आए तो भी बाहर सो ही नहीं पाते, छत पर नहीं सो, बिना पंखे का सो नहीं सकते, ऐसे शरीर बना दिया लोगों ने, बिगाड़ दिया शरीरों को, वो बाहर छाया में नहीं, रात में तो छाया तो पूरी छाया ही छाया है, रात छत पे सोए नहीं सकते, पंखा चाहिए कोई फुल स्पीड में चाहिए, 5 नंबर पे ठूं 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 भागते रहना चाहिए। हम लोग ने अपने शरीरों को बिगाड़ दिया और इसलिए वेग बढ़ गया, अब वेग बढ़ गया तो आय बढ़ानी पड़ेगी, कहाँ से आय बढ़ेगा, चक्कर वगैरह चक्कर आगे नहीं जा रहा हो, लंगोटी वाली कहानी बन जाती है, लंगोटी काट दे चूहे ने, चूहे के लिए बिल्ली लाया, बिल्ली के लिए गाय लाया, गाय के लिए खेत, सब पत्री लाया पत्री, फिर खेती लानी पड़ी, सारा हो गया, पूरी गृहस्थी हो गया, माँ भाग आ रहा है, वही हाल हो जाता है यहाँ पर। इसलिए ये विषय है सब क्लेशकारी, से कोई संशय नहीं, कितने इनसे पुस्तक मांग रहे हैं, क्लेश का है ना, प्राप्त करने में कितना क्लेश, प्राप्त कर लिया आपके हाथ में आ गया, उसको संभालना पड़ेगा, खराब ना हो जाए, परिपालन क्लेश, परिपालन करने में क्लेश है, कहीं बारिश पड़ जाएगी कुछ खराब ना हो जाए, आपका बड़ा चिंता रहेगी, कहीं भी जाएंगे ऐसा ना कोई चीज़ इधर उधर हो जाए, स्वामी जी का चीज़ है, देना है वापस, दिमाग में रहेगा, परिपालन क्लेश, और कहीं रखे हो कहीं नाश न सोने लग जाए तो क्लेश है, कि चूहा के काट दे पुस्तक तो बड़ा कष्ट होगा। तो हर चीज में ऐसा है, किस चीज को पाने में दिक्कत है, पाने का संभालने में दिक्कत है, संभालने पर नाश होने का भय है, या व्यय होने की दुख है, तो है ये सारा विषय क्लेशकारी, या इस दोष दृष्टि से विषयों से विरक्त हो जाना चाहिए, पाने की चेष्टा ही, इसलिए भगवान ने किया इच्छा लाभे न संतुष्ट, पाने के प्रयास मत करो, स्वतः जो आ गया तो मौज करो उसे, अब प्रयास करके इकट्ठा करोगे ना तो उसमें बड़ा क्लेश होगा, प्रयास करो ही नहीं, स्वाभाविक छोड़ दो, आ रहा है ठीक मौज कर, जो आ रहा है उतने से करो,
जितनी है उतने ही समझो, नहीं है तो पाने का प्रयास नहीं, कोई दृक्षा लाभ नहीं संतुष्ट। अपने कर्मानुसार है ना, आकाश शक्ति से जीना बोलते ना, महात्मा आकाश शक्ति से जीना, अपने आप जो टपक के आ गए तो ठीक है उसको ले लिया, किसे मांगने थोड़ी जाना। अब एक कैमरा है, किसे मांगने थोड़ी गए, भाई हमें भेज दो मुंबई से अमेरिका से, अपने आप कोई लाया कहा कि आपके उपयोग ये रख लो, मैंने रख दिया एकदम रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब काम आ रहा है संभालने की जरूरत है, जब है तो मौज कर रहे हैं उसकी, संभालने की चेष्टा नहीं करेगी, बर्बाद हो जाए फेंक दो गंगा जी में, चुप जाएगा, कोई दुख नहीं हमें इस चीज का, कितने आए कितने बिगड़ गए, खत्म हो गए फेंक दिया छुट्टी कर दो। आप लोग भी लाते होंगे फेंक दो, कहाँ काम नहीं चला तो फेंक दो छुट्टी कर दो, संभालने क्या परेशानी, क्योंकि अपना अर्जन क्यों को संभालना जरूर पड़ता है, अंदर से रहता है अटैचमेंट आ सकते, अर्जन किया उन नहीं तो वो आसक्ति नहीं रहती, काम चल रहा है ठीक है। अब एक चीज थी वो भी कितने वर्षों से चल रहा था, किसी का दिया हुआ है तो है वो भी जुक बॉक्स लेती, अब बिगड़ गया तो भेज दिया, ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो उसको बोल दिया तुम अपने आप रख लेना गंगा जी फेंक देना, जो करने कर लेना, ठीक हो गया तो भेज दो, नहीं तो बस छुट्टी कर लो, यहाँ भेजना नहीं है, किसे काम चला रही है नहीं, ये बिगड़ जाए इतने कोई और आ जाए, बिगड़ने से पहले भगवान भेज ही देगा किसी न किसी को, कोई ना कोई ना चीज को, उसके बिगड़ने का टाइम आया था इसे 3 महीने पहले इसको भेज दिया, अपने आप व्यवस्था करते हैं, हमें क्या परेशान होना है, योग अक्षम वह हम पर दृढ़ रहो। इसे कहते ये सब विषय कैसा है, क्लेश कारण कहते उनमें विशेष रूप में ना सबसे ज्यादा आसक्ति का केंद्र क्या है, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, आसक्ति का केंद्र, अन्य सारे विषय रह न रहे। देखो आज बड़ी विचित्र माया है ये, पति पत्नी का ऐसा विचित्र संबंध हो जाता है, सब कुछ छीन ले भगवान लेकिन पत्नी को न छीन, पति ये चाहता है, पत्नी ये चाहती है पति को न छीन, भग सारा चले जाए, हम सड़क पे हो जाएंगे, सड़क पे सो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम दो बने रहे। क्या ऐसी चीज है कि पुरुष को स्त्री में इतनी आ सकती, स्त्री को पुरुष में आ सकती, सारा जगत तब से लुटा दिया गया, छीन लिया गया, एंड फिर भी अपन दो जो है जुड़े रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, लोग महात्मा हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, सन्यास की पीछे 50-50 साल बीतने के बाद पत्नी के पास पहुंचते हैं, बड़ा आश्चर्य ये देखने को मिला, घर छोड़े 16-17-18 साल जो भी उम्र में, और जब 60-65 साल उम्र का हुए, मैंने कम से कम 50 साल बीतने के बाद लगभग फिर पत्नी के पास पहुंचे, बाल विवाह हुई थी, वो भी दूसरे से विवाह नहीं करी, ऐसी बैठी थी, खबर मिला ऐसे कैसे वहां पहुंचे, बताओ क्या संन्यास, अरे फिर तो क्या कहना, तो बहुत कुछ हुआ मामला, एक ने तो क्या करे, पत्नी मर गई सन्यासी हो गया, विद्वान तो था ही, विद्वान तो था तो अब सन्यासी हो गया, बिरला तब मानने लग गए उनको, करोड़ों रुपए में संपत्ति बना लिया, नतीजा अंत में क्या, अपने बच्चों को सारा संपत्ति बांट दिया, अंदर से तो मेरे बच्चे भी था ना, बोले भागवत बोल रहे हैं, ज्ञान बोल रहे हैं, वेदांत बोल रहे हैं, बिरला ब्याह जोड़ रहा है, जूता पॉलिश कर रहा, लेकिन अंदर से वो साधु थोड़ी था, अंदर से पूरे अपने संतान का मोह था, सारा संपत्ति साधु बनने के बाद कमाया हुआ संपत्ति, आश्रम तक को भी अपने संतान को दे दिया, दुर्दशा, पहचानोगे कैसे, विद्वान हैं, देखने पर हम विरक्त हैं, सादे कपड़े पहन रहे हैं और बात बहुत ऊंची बोल रहे हैं, हृदय के क्या मालूम था कि मरने से पहले सारा चीज संपत्ति सब अपने बच्चों को बांटेगा, तो उसको साधु तो नहीं, क्या साधु है, साधु तो नहीं है वो, साधु नहीं ढोंगी, मिथ्याचारी है वो, मिथ्याचारी, इसी को तो नाम है मिथ्याचारी, लेकिन कलयुग में उन्हीं को अच्छा साधु माना जाएगा, कलयुग में ऐसे कोई, भागवत में क्या बोला अंत में देख लो, पार्वे स्कंद में कलयुग के धर्मों का वर्णन जहां है, 100 असाधु मिलकर के अपने आप को साधु घोषित कर देंगे और एक सच्चा साधु को वो लोग असाधु घोषित कर देंगे, सारी दुनिया उस सच्चा साधु को असाधु मान लेंगे,
और जो 100 असाधु बड़ा बैठक कर देंगे, धर्म संसद कर देंगे और घोषित कर देंगे हम सब साधु बोल रहे हैं और सारी दुनिया उन असाधुओं को साधु माने। ये कलयुग का प्रभाव, कलयुग में सच्चा साधु को पहचानना असंभव है, असंभव जैसे हो गया, क्योंकि असाधुओं का जमघट एकता है। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली बात है, असाधुओं की समिति बन गई, अखिल भारतीय संत समिति बना के बैठे हुए हैं। कोई ईश्वर से जोड़ा है, कोई किसे जोड़ा है, सब राजनीति खेल रहे हैं, अपना अपना मंच की खोज में, अपने भगत जगत को बनाने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी संस्था को बढ़ाने में लगे हुए हैं, सब ये असाधुओं की जो है गुट बना हुआ है। अब वो अपने आप को साधु घोषित कर रखते हैं, आपको कौन मानेगा? साधु को तो असाधु कहेंगे, ढोंगी कहेंगे, उल्टा सच्चे साधु को ढोंगी कह देंगे, सच्चे साधु को उल्टा ढोंगी कह देंगे। जैसे कैलाश आश्रम में नियमावली बना लिया उन्होंने कि हम लाल वस्त्र वालों को रखेंगे, वो अद्वित से कोई मतलब नहीं है, आश्रम की एक व्यवहारिक नियमावली होती है, उस व्यवहारिक नियमावली में नियम बना दिया, हम दशनामी सन्यासी के अलावा दूसरे को नहीं रखेंगे, एक अपना नियम है। क्या पढ़ा रहे हैं दर्शन, उससे व्यवहार अलग चीज है, व्यवहार में एक ट्रस्ट है, एक नियमावली है, उस नियम ने बना दिया हम दशनामी जो संत हैं सन्यासी हैं उनके ब्रह्मचारी हैं वो लाल वस्त्र वाले उन्हीं को रखेंगे, दूसरे को नहीं रखेंगे, ठीक है, उसके अनुसार आश्रम चलेगा। उसे आप ये जाके नहीं कर सकते कैसे जाते हुए वेदांती लोग आप लोग हो, ये नहीं जा सकते। नहीं वो बात अलग, उनके यहाँ तो नियमावली नहीं है, उनके यहाँ तो सफेद भी रखता काला भी रखा पीला भी रखा सब रहेगा, उनके बात तो अलग चीज है वहाँ, यहाँ लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर ट्रस्ट का नियमावली है, ट्रस्ट वेदांती नहीं है, मैं वेदांती हूँ, ट्रस्ट वेदांती थोड़ी है, ट्रस्ट एक व्यवहारिक चीज है, वो पारमार्थिक वस्तु नहीं है, पारमार्थिक हम है, अपने स्वरूप ब्रह्म है, और उस दृष्टि हम वेदांति ठीक है, इन व्यवहार दृष्टिकोण में जो व्यवहार में है ट्रस्ट है उसके ऊपर जो नियमावली उसे अनुसार चलना पड़ेगा व्यवहार, जहां जैसा भी नियमावली है। अवैध काली कमली में अनुच्छेद में खड़े हो जाओ, ए कैसा अनुच्छेद है, सन्यासियों को पहले दो, ऐसे कहने से नहीं होगा, उनकी जैसी व्यवस्था है वैसे अनुसार चलिए। आप अनुच्छेद भिक्षा लेने गए हैं, वो भिक्षा उनको जैसा भी देने की है, उनकी प्रणाली है, वो हिसाब से वो देंगे, उसमें आपको लेना हो तो लो नहीं तो जाओ, तो सबको देते हैं। कहने का मतलब आगे पीछे देते हैं, किसको कैसा देते हैं, जो भी देते हैं उनकी अपनी नियमावली होती है, हर जगह का अपना अपना व्यवस्था है। यही तो बात है ना, तो जहाँ जैसी व्यवस्था थे वहाँ ये नहीं कहते भाई पहले ऐसे बैठा हूँ यहाँ पर 9:30 बजे इंतजार कर रहा हूँ मेरे को पहले दो, ऐसा नहीं, दो जो समय पे आने वाले वो आए जाएंगे, तुम भले 7:45 समय बैठे रहे उसे क्या मतलब है, ये तो नहीं कुटिया वालों को 6:30 बैठना पड़ेगा तुम्हारे चक्कर में, व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं केंद्र क्या है मोह का, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, उसके प्रति वैराग्य होना ही असली वैराग्य, उसके लिए करे उसमें क्या दोष, उसे वैराग्य कैसे होगा, बड़ा मोह होता है उसमें, इसे देना गृहस्थी है महत्व बन जाते हैं, अंदर से भी वो प्यारी पत्नी याद आती रहती है, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बढ़िया सेवा करती थी, अरे छोड़ के क्यों आया, फिर बेमतलब बोला वही जा, याद आ रही है, बड़ा विचित्र है संसार, इसलिए उसमें दोष देखने के लिए बता रहे। मांस पांचालिकायास्तु यंत्र लोलंग पंजरे स्नायवस्थि ग्रंथिशालिन्या स्त्रिया किमिव शोभनम्। मांस पांचालिकाया, मांस की ये पुतला है, मांसमयी पुतला है, क्या चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मांसमय पुतला है। एक बैग में मिट्टी भर दो, उसको यूँ आकार दे दो आदमी का आकार, वैसे ये भी एक चर्ममयी बैग है, चर्ममयी बैग है, उसे मांस खून वगैरह हड्डी पड्डी सब मिला के फिट कर रख दिया भगवान ने, चर्ममयी झोले में भरा हुआ मांस खून का एक पुतला है। यंत्र लोले, इसे घड़ी का यंत्र टिक 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 करते रहता है, कभी स्थिर नहीं होता, वैसे ये भी सदा चंचल है, हिलना फिरना घूमना यूँ यूँ देखते रहेगा, मिनट मिनट सुनते रहेगा, बड़ी चंचलता है। अंग पंजरे, ये अष्टांग रूपा प्रमुख अंगों से युक्त एक पिंजरे के समान है, पिंजरे में बंधे हुए पिंजरा है,
इसमें आदि फंसा पड़ा है। जैसे पक्षी तोता आदि को पिंजरे में डाल देते हैं, पिंजरे में क्या होता है, सलाखाएं होती है, उसको बाहर आने नहीं देते, उसी प्रकार अंग हमें बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, हमें शरीर का मोह से निकलने नहीं दे रहे हैं, मुक्त होने नहीं देते हैं, शरीर का मोह में इन्हीं अंगों को देखते रहते हैं, इन्हीं को सुंदर मेंटेन करते हैं, अरे गंदा हो गया चलो साबुन से दो, वो सुगंध वाला साबुन चाहिए गम गम करते रहे कुछ देर तक, सुगंध होना चाहिए। हमें यहाँ तो पेंट कर दें हाँ ऊपर उसको तेल डुबो के छोड़ देते हैं, अरे धो उसको ढंग से सफाई करो, नहीं करते क्यों, मिट्टी का तेल हो जाएगा ना हाथ हाथ ठंडा हो जाएगा, अरे यार एक दिन मिट्टी का तेल डाल के तो फूंकने हैं, ये क्यों नहीं सोचते हो, आज हाथ मिट्टी का तेल हो रहा है तो दुखी हो रहा, कितने अंतर, इतने अंगों में मोह है, आपको ऐसा बांध रखा है इन अंगों ने, आपको संभालने में लगे हुए, सजाए रखते हैं, सौंदर्य इसकी बनाए रखते हैं, कटिंग फिटिंग करते रहते हैं, नहीं सब हिसाब किताब रखे, बहुत मुश्किल काम होता है। अंग पंजरे कैसा है, अंग पंजर स्नायुवस्ति ग्रंथिशालिन्या, स्नायु हड्डी है, नाड़ियों की संस्थान है, इसमें नाड़ियों की जाल बिछा हुआ है, अस्थि हड्डी है, इसमें जगह जगह मांसपिंड है, यूं करके देखते हो हाथ को यूं करके मांसपिंड को देखते यूं आ रहा ठीक मैं तगड़ा हूं, लड़के यूं देखते हैं और लड़कियां अपने स्तनों को देखती, स्तन बड़े उभर रहा है तो ठीक है, दोनों में यही हाल है, अपने अपने मांसपिंडों को किसको किस मांसपिंड को देख रहे, किस मांसपिंड को देख रहे, अपने अपने मांसपिंड को देखते रहते हैं और समझते अपने आप सुंदर हो रहे हैं, हैं वो सोच रहे मैं सुंदरी बनते जा रही हूँ, मेरे अंग बढ़िया प्रस्फुटित हो रहे हैं, मैं तो बढ़िया हो रहा हूँ, अरे और इस चक्कर में बाद में शादी होती है पति का पत्नी देखते, पति का देखती है, आपस में दूसरे का देखते रहते हैं, अंगों के व्यामोह में जाल में फंसा पड़े, इसे कहते हैं स्नायु अस्थि ग्रंथिशालिन्या, वो स्त्रियां हाल लिया, पुरुष के दृष्टिकोण से कहे जा रहे हैं कि स्त्रियां वो आपके लिए किमिव शोभनम, बताओ ऐसी जो पिंड है वो क्या सुंदर होगा, विवेचन करके देखो कि इसमें है क्या दम। उन्होंने कहा जिसको तुम सुंदर समझ रहे हो, कालिदास जी के लिखते हैं एक बार तो उसकी चमड़ा उतार करके देख, देख सकोगे ऐसा बीभत्स लगेगा, भयभीत हो जाओ ये क्या, कहते नहीं हो सकता है तो जली हुई स्त्री को देख के आना, जाओ अस्पताल में जले हुए रहते हैं पूरे, वो जो उल्टी आएगी आपको देख करके क्या सौंदर्य है, ये सब देखे हैं, मां रही पानी और पूरी जली हुई है तो दिखता तब उसको क्या सुंदरता है मांसपिंड का, जब तक ये चमड़ा ठीक है ना तब तक सुंदर लगता है, ये चमड़े के झोले में डालो मांसपिंड को देखोगे वास्तव में अंदर से घृणा होता है। स्नायवस्थि ग्रंथिशालिन्या स्त्रियः किमिव शोभनम्, कैसे सुंदर हो सकते हैं, अर्थात कदापि शोभनीय नहीं है, मोह के योग्य नहीं, इस तरह से हर चीज में दोष दृष्टि दे, हर चीज में जान बुझे एक को लिया ताकि जो है प्रमुख चीज वही है ना, पुरुष के लिए स्त्री ही प्रमुख है, स्त्री के लिए पुरुष प्रमुख केंद्र मोह, बाकी सारा संसार उसी को लेकर के जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, अब पति पत्नी है तो अब कपड़े भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सारे जुड़ गए हो धीरे धीरे, सब जुड़ बच्चे होंगे उनके कपड़ा चाहिए, स्कूल चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर अब कुछ न रहने पर भी चाहिए तो खत्म होता ही नहीं ना, तब भी हम लोग जितने अपने आश्रम में अब ये लग गया अब ये चाहिए, वो लग गया वो चाहिए, वो लग गया तो कोई और चाहिए, अंत है क्या ऐसा, कोई कुछ बन जाने तक कहते रहे, अब बन गया आप कहेंगे अब उसे ममटी बना दो सीढ़ी के ऊपर दीवार बनना चाहिए, उस पर छत डल देनी चाहिए, वो डल जाए फिर सोचेंगे फिर इसमें से जो है गंदगी भी आती है, इसमें भी जाली लग जानी चाहिए, जाल लग जाए तो पेंट होना चाहिए, अब क्रम चलते ही रहेगा, वो कोई अंत नहीं है उसकी, नहीं बिजली का बटन नहीं था वो बटन स्विच ऑन पर डाल के लगा दिया, लगा दोगे अरे तो ये तो लग गया, वो पाइप बदल दे, पाइप बदल दो, पाइप बदल देंगे फिर
फिर कहीं कुछ और लगना बाकी है, और रहेगा कोई ना कोई डिस्टर्ब, कोई और चीज बाकी रह जाता है, कोई आदि अंत नहीं है इसका है? हाँ, इसलिए और टीकाकार कहते स्नायव मैंने शिराहा, अस्थिनी मैंने प्रसिद्ध, ये तो प्रसिद्ध है अस्थि मैंने हड्डिया, ग्रंथया मांस निचय रूप नितंब स्तनाद, मांस निचय रूप मांसों का पिंड रूपा जो नितंब है स्तन है इत्यादि, ये तो इस सहिते इनके सहित मांस पांचालिकाया पुत्तलिकाया मांसमयी पुतला है ये, ऐसा कौन है? योषिता स्त्री यंत्रोले यंत्रवच्च चंचल शीले, यंत्र के समान चंचल स्वभाव वाला, अंग पंजरे अंगानि एव पंजरम नीडम तस्मिन् शरीरे किम शोभनम् एव, अंगानि एव पंजरम अंग ही है पिंजरा, नीड रहने का स्थान जिनका, ऐसे शरीर बताओ क्या सुंदर है, किस किस सुंदर मान रहे तुम अपने आप को, न किमपि तिर्थ अर्थ कुछ ही नहीं। एवं आयुष शास्त्रेषु दोषाः सम्यक् प्रपंचिताः विमृश्य, एवं आयुषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक् प्रपंचिताः विमृशन् अनिशन्तानि कथं दुःखेषु मज्जति, एवं आदिशु शास्त्र, इस प्रकार से अनेकों शास्त्रों में किन किन विषयों में क्या क्या दोष देखना चाहिए, योग वासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण पढ़ो, बढ़िया समझाया है, बढ़िया योग वासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण पढ़े और उसके अच्छे तरह से मनन कर पढ़े, नहीं केवल शब्दार्थ समझना वाली बात नहीं है, उसके भाव दिल में बैठनी चाहिए, तब आपको इस संसार से बिल्कुल घृणा हो जाए, बिल्कुल घृणा हो जाए, और तब भी घृणा नहीं हुई तो समझो वो आदमी नहीं है, पशु है, उसके संस्कार जो है पशु संस्कार है, मनुष्यत्व उसके अंदर में जगा ही नहीं, मोक्षत्व तो दूर की बात है, जिसको ऐसे ग्रंथ पढ़ने पर भी वैराग्य जगे नहीं वो मनुष्य मनुष्य ही नहीं, उसके अंदर मनुष्यत्व नहीं, निर्णय ले लेना पशुत्व, मनुष्यत्व है तो मोक्षत्व आएगा, मोक्षत्व है महापुरुष ही मिलेंगे, नहीं तो महापुरुष मिलने पर वो क्या कहोगे, ये भी बदमाश है, महापुरुष को भी बदमाश कर देता है, पहचान नहीं पाएगा ना, कि उसके अंदर क्या अपना अज्ञान अपने जो वासनाएं अपने जो संस्कार है वो रोकते हैं, वास्तविक विवेक वैराग्य उसके अंदर है ही नहीं तो पहचान नहीं सकता कौन क्या है, इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ो, उनमें दोषाः सम्यक् प्रपंचिताः, सारे दोषों के बारे में सम्यक् प्रकार से विस्तार पूर्वक समझाया गया, विमृशन् अनिशन्तानि, उनको सम्यक् प्रकार से विमृशन् विमर्श करते रहना, चिंतन करते रहना, तो ऐसा करने पर कथम दुःखेषु मुज्जति, बताओ दुख में कैसे डूब सकते, किस प्रकार दुख में डूबेगा, अर्थात वो नहीं डूब सकता, आदि शब्द ना वही दे रहे, देखो याज्ञवल्की का वचन, तंग मांस रक्त वाष्पांबु पृथक कृत्वा विलोचने समालोक रम्यम चेत किम उदा परिमुह्यसी, व्यर्थ का क्यों मोह कर रहे हो, त्वंग मांस रक्त वाष्प अंबु पृथक वाष्पांबु, त्वंग मने चमड़ा मांस, रक्त मने खून और वाष्पांबु मने पसीना, इनको अलग करो, पृथक कृत्वा अलग करके देखो है क्या उसमें, बचता क्या है, समालोक रम्यम चेत किम मुदा मुसी, और यदि रम्य है तो समालोक, तुम उसको सम्यक प्रकार आलोकन करके देखो क्या रम्य है उसमें, कुछ नहीं है, व्यर्थ का क्यों मोह कर रहे हो, मोह मत करो, ऐसा कह रहे हैं।